पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आपने आग में हाथ डालकर उदी निकाली, आपका हाथ नहीं जला। राम जी की कृपा। साईं, आप तो इतने चमत्कार करते हैं, तो कोई चमत्कार करके मुझे अभी मेरे बेटे से क्यों नहीं मिलवा सकते? इतने साल उससे दूर रहा हूं, अब सबर नहीं होता। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप दोनों को मिलाना नहीं है, आप दोनों के बीच के मतभेद को खत्म करना भी है। इसी में सबकी भलाई है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं साईं, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं? मन तो सब्र नहीं कर सकता है ना। आप खाली बैठे हैं इसलिए मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। जब तक आपका बेटा नहीं मिलता, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कैसा काम साईं? पहले आप क्या करते थे? मेरी मिठाई की दुकान थी। क्या मिठाई आप खुद बनाते थे? पहले मैं खुद बनाता था, लेकिन जब मुनाफा होने लगा तो आदमी रख लिए। तो दोबारा मिठाई बनाना शुरू क्यों नहीं करते? रबड़ी बनाइए। रबड़ी? पता है साईं, मेरे हाथ की बनाई रबड़ी बहुत मशहूर थी। जब मैं खुद रबड़ी बनाता था तो दुकान में भीड़ लग जाती थी लोगों की, लेकिन रबड़ी बनाने के लिए सामान कहां से लाएं? कुछ तो मेरे झोले में मिल ही जाएगा। उसे आप इसमें खाली कर दीजिए। देख तो लीजिए। और भी है। बस बस इतना ही है। साईं, गुड़ तो मिल गया, अब दूध का क्या? बेटा केवल, कोई तो बात जरूर है। आज सुबह तो काम पे से जल्दी लौटा पर तब से उदास बैठा है। कहा ना, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है तो हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहा है? तो कैसे पैसे सरकार? हरिओम हरिओम। अद्भुत अद्भुत, हमसे उधार लिए और भूल भी गया तू? हाँ, मनुष्य का स्वभाव है, पैसे लेकर विस्मृति की समस्या हो ही जाती है। लेकिन याद रख, कुलकर्णी सरकार हूं मैं, अपनी पाई पाई याद रखता हूं मैं। लेकिन मैंने तो आपसे कभी पैसे लिए ही नहीं सरकार। झूठ क्यों बोलता है? तुम अपना माँ का इलाज के लिए एडवांस में तनख्वाह लिया था, है ना?
और मिल हमारी है, पैसे हमारे, तो इस हिसाब से तुम हमारे ऋणी हो। चलो 200 रुपए दो। लेकिन मैंने तो सिर्फ 100 रुपए लिए थे सरकार। ब्याज कौन भरेगा? सौ पे 100 रुपए ब्याज। भाई मिल हमारी, पैसे हमारे, हम जितना चाहे ब्याज ले, है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, मैं पैसे चुका दूंगा सरकार। कहाँ से चुकाएगा तू? चुका दूंगा, कहाँ से चुकाएगा? नौकरी तो चली गई तुम्हारी। गई नौकरी। दूध देने के लिए गौ माता खुद चलकर आ गई। साई, दाते ने कहा आपने बुलाया है? बैठिए पाटिल जी, आपको बुलाने का कारण जल्दी समझ आ जाएगा। सरकार, हम थोड़ा उधर चल के बात करें। उधर चल के क्यों? मुझे साक्षीदार चाहिए अपने इस बातचीत के। बात यही होगी, पर तुम्हारे माँ बाप को भी तो पता चले अपना बेटा कितने पानी में है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन चुका दो तो अच्छा है, वरना तुम सबको घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समझा? कहाँ जाओगे अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर? हरिओम, पहले ही मैंने तुम्हें समझाया था केवलचंद, सतेश्वर महाराज के पास चले जाओ, तुम्हारे जैसे वास्तुकार की उन्हें आवश्यकता भी है। कहा था कि नहीं? नहीं सरकार, साईं ने मुझे समझाया है कि मेरा उनके पास जाना सही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आज शाम तक पूरे पैसे लौटा देना, 200 रुपए, नहीं तो ये घर हमारा। आज शाम तक कैसे सरकार? जाकर अपने उस फकीर से पूछ। लेकिन चमती कैसे चलते हैं? बड़ा आया है। साईं, पूरी बाल्टी भर के दूध मिल गया है। साई,
तक आपने बताया नहीं कि काम क्या है। थोड़ा सब्र कीजिए पाटिल जी। नहीं नहीं साई, मुझे रुकने में कोई एतराज नहीं है। बस मैंने गोपीनाथ को कहा था कि मैं उसके साथ रहता चलूंगा, तो वो इंतजार कर रहा होगा इसलिए बस। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।